तो दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ पांच बेहतरीन टैबलेट्स के बारे में जो कि आप 10,000 के अंदर में खरीद सकते हैं। एंड इससे पहले मैंने ये वाला वीडियो बनाया था जिसके ऊपर में आपका जो सपोर्ट आया था वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। सो नाउ अभी अगर आपका बजट भी 10,000 रुपीज है तो ये वीडियो आपके काफी काम आने वाली है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको अपने लिए एक बेहतरीन टैबलेट पिक करने में काफी आसानी होगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले तो मेरे पास में है Lenovo का Tab M7। अब ये एक Wi-Fi प्लस सेलुलर वर्जन है, यानी कि Wi-Fi और सिम भी आप इसमें लगा सकते हैं। बात करता हूँ अगर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें आपको 7 इंच का एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। अब ये वाला टैबलेट मैं उनको रिकमेंड करूँगा जो कि ट्रैवल ज़्यादा करना पसंद करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो स्क्रीन है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्मॉल है जो कि ट्रैवल में काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। उसी के साथ में यहाँ पर इसमें आपको 2 GB की रैम मिलती है, 32 GB की इंटरनल मेमोरी है जिसको कि आप 128 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, तो मल्टीमीडिया पर्सपेक्टिव से बहुत ही कमाल का रहने वाला है। साथ ही में फोटोग्राफी के लिए अगर आपको हल्की फुल्की फोटो भी क्लिक करनी है तो 2 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है और 2 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में ऑल डे बैटरी लाइफ 3500 mAh की बैटरी मिलती है, लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी है ये, और पूरा दिन आपका आराम से साथ दे देगी, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही में एंड्रॉयड 9 Pie ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जहां पर कि इसमें आपको 1.3 GHz का MediaTek का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया, इस वाले लैपटॉप को मैं उनको रेकमेंड करूंगा जो कि ट्रैवल ज़्यादा करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये वाला जो लैपटॉप है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी सूटेबल रहने वाला है, तो आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी हमारे पास में जो अगला टैब है विच इज़ Lenovo का टैब M8 HD टैबलेट। अब इसकी अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो कंपेरेटिवली Lenovo टैब M7 से यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको वाईफाई मॉडल इस प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर 8 MP का प्राइमरी कैमरा विद ऑटो फोकस आपको देखने को मिलता है, साथ ही में 2 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो जैसे ही मैंने बताया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी इस वाले टैब में। साथ ही में 8 इंच का एक HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, कंपैरेटिवली थोड़ा लार्ज डिस्प्ले है। उसी के साथ में इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो ऑल डे लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ है। आप अगर हैवी यूज़ भी करते हैं तो आपको आराम से अच्छा खासा बैकअप देखने को मिल जाएगा। साथ ही में 2 GB की रैम है, 32 GB की इंटरनल मेमोरी है जिसको कि आप 128 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर इसमें पावर के लिए एंड्रॉयड 9 Pie ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है, जहाँ पर कि 2 GHz का MediaTek Helio A22 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि कंपैरेटिवली पावरफुल है। इसमें आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हैं, नो डाउट काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। सो या आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर आपका वाईफाई से काम चल जाएगा तो मैं आपको ये वाला टैबलेट रेकमेंड करूंगा, नो डाउट यहाँ पर काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स आपको देखने को मिल जाते हैं ओवर M7। वेल इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। एंड यार वीडियो को प्लीज से लाइक जरूर कर देना। अभी हम लोग मूव करते हैं अपने अगले टैबलेट की तरफ विच इज़ फ्यूजन की तरफ से एक 4G टैबलेट है ये, जिसमें कि आपको वाईफाई, 4G LTE और वॉइस कॉलिंग जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। वेल अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें आपको एक फैंटेस्टिक IPS स्क्रीन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और यहाँ पर HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर कि इसमें आपको 9.6 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है, तो कंपैरेटिवली काफी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पे। साथ ही में यहाँ पर इसमें आपको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर यह काम करता है, जिसका मतलब कि आप अपने फेवरेट एप्स को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर आप गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं, हाई एंड गेम्स भी अगर आप खेलना चाहते हैं वो भी खेल सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। साथ ही में अगर आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है तो फ्रंट में आपको 2 MP कैमरा मिलता है और रियर में 8 MP का आपको कैमरा मिल जाता है जो कि आइडल रहने वाला है, वीडियो कॉलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फोटोज़ अगर आपको क्लिक करनी हो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही में अगर मैं कुछ यूनिक फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करता है, जहाँ पर कि जो फास्टर डाउनलोड का एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लूटूथ का सपोर्ट यहाँ मिल जाता है देखने को और यहाँ पर ये एक फुल साइज 2 SIM स्लॉट के साथ में आता है, तो पावरफुल 4G फोन टैबलेट आपको देखने को मिलता है। ये एक गूगल सर्टिफाइड टैबलेट है, जहाँ पर कि आपको फीचर्स जो मिलते हैं वो भी काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाते हैं। आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम लोग मूव करते हैं अपने अगले टैबलेट की तरफ विच इज़ iCall का N18, एक कॉलिंग टैबलेट है ये, एंड इसका प्राइस जो है वो 10,000 के अंदर में है। बात करते हैं अगर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसमें आपको 10 इंच का एक HD डिस्प्ले मिलता है एंड बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा।
साथ ही में ये 4G वोल्टी के साथ में आता है, डुअल सिम वाला टैबलेट है, यानी कि आप यहाँ पर दो सिम का यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में 3GB की रैम एंड 32GB की स्टोरेज है, जिसको कि आप 128GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और ये एक मेड इन इंडिया डिवाइस है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। साथ ही में इसमें आपको फोटोग्राफी के लिए 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है और सामने की तरफ में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में ये एंड्रॉयड 10 पर 1.6 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें आपको टाइप सी की चार्जिंग देखने को मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। साथ ही में एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चाहिए, लर्निंग के लिए चाहिए, आप अगर स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं। साथ ही में पावरफुल प्रोसेसर, ज़्यादा रैम आपको मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आपको पूरा दिन आराम से चल जाएगा, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो या डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है इस प्राइस पॉइंट पे। आप लेटेस्ट प्राइसिंग को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम लोग मूव करते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट। अब अगर आप अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, 10-11-12 हज़ार तक अगर आप जा सकते हैं, तो मैं आपको ये वाला टैबलेट रेकमेंड करूँगा, जहाँ पर कि इसमें आपको पहले तो सैमसंग की एक ब्रांड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। नो डाउट यहाँ पर सैमसंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होते हैं। भले अगर मैं बात करता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 8.7 इंच का एक इमर्सिव डिस्प्ले मिलता है, जो कि एलिगेंट स्लिम बेजल्स के साथ में आता है, पतले बेजल्स हैं, और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा देखने मिलता है, बेस्ट व्यूविंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। वेल, हमें पता है यार, सैमसंग के जो स्क्रीन्स होते हैं वो काफ़ी बढ़िया लेवल के होते हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं। साथ ही में डॉल्बी का एटमोस स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से जो क्वालिटी है स्पीकर्स की वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। साथ ही में एक लॉन्ग लास्टिंग 5100mAh की बैटरी है, जहां पर कि इसमें आपको फास्ट अडैप्टिव चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, तो तुरंत ही आपका चार्ज हो जाएगा, साथ ही में काफी देर तक ये चलने वाला है। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो 3GB की रैम एंड 32GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है, जिसको कि आप 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वो मुझे बहुत ही प्लस पॉइंट लगा इस वाली टैबलेट का। जहां पर कि अगर फोटोग्राफी की अगर बात की जाए तो 8MP का रियर कैमरा एंड 2MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है। साथ ही में एक पावरफुल MT8768 का प्रोसेसर है, जो कि बेस्ट इन क्लास मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो नो डाउट अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई जाता है तो आप सैमसंग के इस वाले टैब की तरफ भी जा सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी, एक वैल्यू फॉर मनी टैबलेट मैं बोलूंगा इस प्राइस पॉइंट पे। बट ये एक वाईफाई मॉडल है, तो कीप इन माइंड, अदरवाइज बहुत ही कमाल का यहाँ पर आपको टैबलेट देखने को मिल जाता है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वेल दोस्तों, आई होप कि आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हुआ हो कि आपको कौन सा एक बढ़िया लैपटॉप परचेज करना चाहिए अपने लिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहिए हो, ट्रैवल के लिए परचेज करना है, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड जो लोग भी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए, जिससे कि ऐसी रेगुलर वीडियोस को मैं अपलोड करता रहूं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।